देखते हैं मुँह पानी आ जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि बेहद ही अच्छे होंगे। आज की इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और टाइम को समथिंग हो रही है, 5 बज चुके हैं। तो मैं आ गई हूँ छत पे, इतना अच्छी खुली हवा है, बहुत अच्छी सुकून से हवा चल रही थी। मैं आ गई हूँ छत पे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि पूरा दिन ना बहुत ही अच्छे से बीते और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। जब एक्सरसाइज जब तक हम नहीं करते हैं तो पूरे बॉडी में ना इतना ज़्यादा पेन होता है कि क्या बताऊँ, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा काम सुबह से लेकर शाम तक ना बहुत ही अच्छे से अपना काम मैं कर लेती हूँ। कोई न दिक्कत न कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता है। जब मैं स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ हूँ, जब स्वस्थ रहते हैं तभी तो पूरा काम कर पाऊंगी। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं तो मैं आ गई हूँ छत से घर। तो अब मॉर्निंग का काम सारा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ ना गर्मियों का सीजन चल रहा है तो सब लोग ना आंगन पे ही सोते हैं। मैं और मम्मी आंगन पे बिल्कुल नहीं सोते हैं, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं आंगन पे अभी नहीं सोती हूँ। मम्मी भी नहीं सोती हैं और दोनों लोग अंदर सोते हैं। बस भाई सब, दोनों भाई और पापा आंगन में सोते हैं। आंगन में बहुत ही अच्छा ठंड ठंड मौसम रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक कूलर पंखा से ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेहतर आंगन पे ही सोना, छतों में सोना बहुत ही हमको पसंद है। बट देखते हैं तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो हम लोग छत में जाया करेंगे तो सोएंगे। बहुत ही अच्छा हवा चलती है। हाँ तो बस मैं सब लोग पूरा कपड़ा फोल्ड करके अंदर रख देते हैं, बहुत सारा काम कंप्लीट करनी है हमको, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। अब सोते हैं सब लोग, बट ना पूरा खटिया ये पूरा कपड़ा बहुत सारे हो जाते हैं तो अंदर सब फोल्ड फोल्ड करके रखो और खटिया भी अंदर रखो। और खटिया और कपड़ा पूरा फोल्ड करके अंदर रख दिए हैं। अब बस आंगन में झाड़ू लगाना अब स्टार्ट ही कर दिए हैं। तो सो फ्रेंड, मैं मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट में फूला चना। इसमें क्या डाला हुआ है, एक टमाटर डाला है, प्याज सब मिक्स करके, नींबू। अब मैं खाऊंगी, आइए आप लोग भी खा लीजिए, कितना अच्छा है। हम लोगों का ब्रेकफास्ट में यही रहता है सुबह, बहुत ही अच्छा हमको लगता है डेली का डेली। आइए भाई आप लोग भी खा लीजिए। तो इससे भाई दी जो जो कटोरी में लगाए हुए हैं, एक कटोरी मम्मी दे देंगे, एक कटोरी मैं खा लूंगी। आ गई थी छत में और आमा का छिलका सुखवाने, बहुत अच्छे से आमा, अब इसका छिलका हम लोग काटने लगे हैं और इतना सारा छिलका काटे हुए हैं जो कि अमचूर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इतना अच्छा है आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम पका पका जैसे है, पकेट पकेट टाइप का अध पका है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खाने में ना इसको देखते हैं मुँह पानी आ जाता है। हमको आमा बहुत पसंद है। आप लोग भी खा लीजिए, आइए।
भगवान हमको भूल गया, मैं टेबलेट खाई थी और आम खा ली हूँ। नहीं बताएंगे मम्मी लोगों को, चुपचाप ऐसे खा ले, खा ली हमको, भूल गया टेबलेट खाई हूँ। आज मैं काट भी रही थी आम, तो खा ली थी एक ठो, मम्मी तो नहीं देख पाई है, देखते हैं क्या होगा। तो एक नंबर का बना हुआ, इतना अच्छा लग रहा है। इसका आम चूरना बहुत ही अच्छा होता है और इसका अचार भी बहुत एक नंबर को होता है। जब सूख जाता है ना तो अचार मज़ा आ जाता है डालने में। अब आमा का छिलटा ना छत में ईंट लगा के सुखवाना पड़ेगा हमें। जब तूफान आती है ना, एक दिन बहुत सारा आम सुखवाई थी तो बहुत ज़्यादा तूफान आई थी तो पूरा आम एक भी नहीं बचा था छत में, पूरा नीचे ज़मीन में गिर गया था, पूरा नष्ट हो गया था। तो आज मम्मी बोली हैं कि ईंट लगा लगा के सुखवाना, जो कि तूफान भी चले ना तो बाहर ना आए। जब तूफान चलेगी, बारिश होगी तो मैं रख लूँगी अंदर, देखते हैं। जब याद आ जाता है तो अच्छा रहता है, जब भूल जाती है तो पूरा नष्ट हो जाती है पूरी मेहनत। अब तो मैं ईंट लगा के यहाँ सुखवाऊंगी आम को। बहुत अच्छे से सुखवा ही दिए हैं, अब जाएंगे घर। तो अब आज तो धूप नहीं निकली हुई है, एकदम बदरी बदरी जैसा किया हुआ है, मौसम बहुत चेंज जैसा लग रहा है, कहीं बारिश ना हो। अब पड़ रहे हैं तो सुखवा ही देंगे, छत में रख दिए हैं। धूप निकल आती तो बहुत अच्छे से सूख जाता 4-5 दिनों में। कौवा तो इतना सारा चिल्ला रहा है आमा में बैठ के। मैं अब छत से आ गई हूँ आम सुखवा के, अब बस मैं खाना बनाना अब स्टार्ट ही कर दिए हैं। तो आज सुबह से लेकर दोपहर तक का ये वीडियो है, मैं अब आगे वीडियो बिल्कुल नहीं शूट कर पाऊँगी। तो इसी कुछ बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करने भी जा रही हूँ। तो होप करती हूँ कि वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। तब तक मिलते रहेंगे बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ख्याल।